गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस जैसा कि आपने ही वीडियो के स्टार्टिंग में जिस रील्स वायरल सारी स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनलाइट मोशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों अगर आपको अनलाइट मोशन प्रो ऐप चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अनलाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस आपको अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद अनलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारासु 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइस आपको ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से गाइस आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस हम वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। तो गाइस आपको दोनों उंगलियों की मदद से इसको अच्छे से जूम करना है, वॉलपेपर को अच्छे से स्क्रीन पर सेट कर लेना है। इस तरह से आपको इसको अच्छे से सेट करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इस तरह से गाइस सैचुरेशन वाइब्रेंस सर्च करते ही आपके सामने एक इफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर हमारे एक इफेक्ट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस आपको सैचुरेशन के शुरू में आ जाना है। इस तरह से आपको इसको स्क्रॉल करते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में कलर लग चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में ब्लैक एंड वाइट कलर लग चुका है। गाइस आपको नीचे एक प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आपको इसमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गाइस आपको इसकी लाइन को इस तरह से सेट करना है। इस तरह से आपको अच्छे से इसको सेट करना है। इस तरह से गाइस आपको भी इसकी लाइन को इस तरह से अच्छे सेट करना है। आपको ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसको नीचे साइड में इसको कर देना है। इस तरह से आपको नीचे साइड में इसको कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर पर वाइट बैकग्राउंड आ चुका है। गाइस आप इस वाइट बैकग्राउंड को अच्छे सेट कर सकते हैं, इसको खिसका कर आप अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसको अच्छे सेट करना है। जितना भी आप वॉलपेपर में सेट करना चाहते हैं आपको अच्छे सेट करना है। तो इस तरह से गाइस हम इसको सेट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में वाइट बैकग्राउंड लग चुका है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक PNG सारी लेटर को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस PNG लेटर की इमेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस PNG लेटर वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको अच्छे से वॉलपेपर में अच्छे सेट करके इस तरह से लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में सारी लग चुकी है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। गाइस आपको साउंड वाली वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस साउंड वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है।
गाइस आपको ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक आईडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस इस वीडियो का आईडियो निकाल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में आईडियो लग चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। व्यू वाले पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस पहले वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी इफेक्ट वीडियो लग चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस हम इस वीडियो को 5 सेकंड तक बनाएंगे। तो हम सभी जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, हम सभी लेयर को 5 सेकंड तक लंबा कर देंगे। इस तरह से गाइस आपको 5 सेकंड तक सभी को लंबा कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी की लेंथ को 5 सेकंड तक लंबा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है इनको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से गाइस आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो लाकर या किसी वॉलपेपर को लाकर इंस्टाग्राम रील्स के लिए इस तरह से सारी लिखकर सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।